हरियाणा पुलिस का जवान मनोज कुमार इन दिनों हुडल डीएसपी के गनमैन के पद पर कार्यरत है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा लेवल के खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें मनोज ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल व कांस्य पदक भी जीता है, जिसके चलते हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया है। और हुडल में तैनात मनोज का हुडल डीएसपी मौजीराम व सभी स्टाफ ने मेडल पहनाकर खुशी जाहिर की। और इस विषय को लेकर मनोज ने बताया कि उसने पहले भी खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और बताया कि अब वर्ल्ड लेवल पर खेल होने हैं, जिनके लिए उनकी तैयारियां चल रही हैं। और इसमें मैंने चैंपियन थ्रो में गोल्ड मेडल और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अब आगे के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरे ऑल इंडिया पुलिस गेम होने हैं उनकी अभी डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी मैं तैयारी में हूँ और वहाँ पर भी अपने हरियाणा पुलिस का नाम रोशन करूँगा। तो पहले भी कहाँ का जीते हैं आपने? वहाँ पहले भी मैंने हरियाणा में 5 बार गोल्ड है मेरा और 2 बार नेशनल मेडल है और आगे भी तैयारी कर रहे हैं अपनी फोर्स के लिए, जो कि आगे जो गेम होने उनके लिए अच्छा करेंगे। क्या आपके पुलिस टारगेट बना हुआ है, मतलब एक सीमा बनी हुई है, जैसे ऑल इंडिया पुलिस में यदि मेडल आता है तो तब उसके लिए फिर हमारे लिए प्रमोशन की वो है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और जो उसकी डेट आ जाएगी मैं तैयारी में हूँ अच्छे से। तो क्या है अपने पुलिस विभाग का नाम रोशन हो रहा है, अपने पलवल पुलिस में खुशी का माहौल है और अब की बार कई मेडल आए हैं अपनी पुलिस के लिए। एसपी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें टाइम दिया और गेमों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और हम अपने डीएसपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने टाइम देकर हमारे बहुत अच्छा वो किया है।